मार्शमेलोस, कैसे हैं आप सब। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखते हो और वो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपना फीडबैक शेयर कर दिया करो ताकि मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक प्यारी सी रोमांटिक मूवी को, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक सुंदर सी लड़की और एक हैंडसम बिजनेसमैन को एक दूसरे से इस कदर प्यार हो जाता है कि उनकी फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बहुत ही जल्द एक सच्चे रिश्ते में बदल जाती है और वो एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं सीधा मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ। जिसमें हमारी हीरोइन लिली, जो कि दिखने में क्यूट थी, वो सुबह देर से उठी थी और उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस वक्त कहाँ थी। उसके माथे पे बैंडेज लगी हुई थी, यानी शायद उसे हाल ही में चोट लगी थी। तभी अचानक उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है और वो हड़बड़ी में जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ तीन खड़ूस आदमी उसे कर्जा वापस देने के लिए कहते हैं और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे 5 लाख युआन की डील साइन हुई थी। दरअसल ये पैसे उसके डैड ने बिजनेस के लिए उधार मांगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने इतने सारे पैसे क्यों उधार मांगे होंगे। इसलिए इसे पढ़ने के बाद वो अपनी एक्टिंग की मदद से उनसे 3 दिन का वक्त मांग लेती है। लिली अपने घर पे पड़े सामान में से किसी महंगे से आइटम को ढूंढना शुरू करती है, जिसे बेचकर वो कर्जा वापस कर सके। कुछ देर ढूंढने के बाद उसके हाथ एक डायरी लगती है, जिसमें किसी लड़के की आधी कटी हुई फोटोग्राफ दिखती है, मगर उस लड़के की शक्ल नहीं दिख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के हीरो को देखते हैं, जो कि एक महंगी सी कार से बाहर निकलता है। दोस्तों, वो एक बड़ी सी कॉर्पोरेट का यंग चेयरमैन होने के साथ साथ दिखने में भी काफी हैंडसम था। इस सीन में उसका असिस्टेंट उसे उसकी ब्लाइंड डेट के लिए तैयार रहने को कह रहा था। दोस्तों, एक्चुअली ह्यूआन की ग्रैंड मदर जल्दी किसी अच्छी सी लड़की को पसंद करके उसे उससे शादी करने को कहती है, मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक उसे खांसी आने लगती है और जिस रुमाल को वो अपनी खांसी रोकते वक्त इस्तेमाल करता है उसमें खून लगा हुआ दिखता है। मगर ह्यूआन ने ये बात अपने असिस्टेंट को नहीं बताई थी। वो रोड पे चल ही रहा था कि अचानक उसकी टक्कर लिली से होती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिली बहुत जल्दी में थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, मगर ह्यूआन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका असिस्टेंट लिली को उनके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। इसके बाद ह्यूआन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और जैसे ही वो आँख खोलता है तो उसके सामने लिली बैठी हुई थी। जब लिली ह्यूआन को टच करती है तो ह्यूआन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद लिली को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, मगर ह्यूआन उसे रोकने की कोशिश करता है। जाने से पहले लिली उसका नंबर मांग लेती है। वो बताती है कि उसे अभी किसी के बहुत सारे पैसे उसे वापस लौटाने हैं, इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद ह्यूआन का असिस्टेंट आकर उसे एक लंबी सी लिस्ट दिखाता है। ये उन लड़कियों की लिस्ट थी जिनके साथ ह्यूआन को ब्लाइंड डेट पे जाना था। ह्यूआन उसे बताता है कि अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद के लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। उसका जवाब सुनने के बाद असिस्टेंट को ये समझते जरा भी देर नहीं लगती कि ह्यूआन उसी लड़की की बात कर रहा था जो इनके साथ हॉस्पिटल आई थी। दूसरी तरफ लिली, जिसका ड्रीम एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस बनने का था, वो अपने एक नए रोल के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। वो अपने को एक्टर क्वीन के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है और ये को एक्टर लिली को पसंद करता था। लिली ये जानकर थोड़ी सी चिंता में थी कि उसकी फिल्म की मेन एक्ट्रेस मिस मिंजू बहुत भाव खाने वाली एक्ट्रेस है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मिंजू धूप तेज होने की बात कहकर शूटिंग कैंसिल करने के लिए कहती है और जब लिली उससे समझाने जाती है तो उल्टा वो एक्ट्रेस उस पे गुस्सा करके उसे बिना बात के सुना देती है और उसे गुस्से में कहती है कि कल से तुम्हें शूटिंग पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन
शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात को एक रेस्टोरेंट में बैठी लिली ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। वो खुद से बात करते हुए कहती है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, पहले मेरा कार एक्सीडेंट, उसके बाद इतना सारा कर्जा और तो और उस लड़के के हॉस्पिटल का बिल भी मुझे ही पे करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मुझे सपोर्टिव रोल का काम मिला था और अब वो भी हाथ से चला गया। इसके बाद वो नशे में खड़ी होकर ये ऐलान करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं एक हीरोइन जरूर बनूंगी, और इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट का मालिक ह्युआन को कॉल करके बताता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए इसे यहाँ से आकर ले जाओ। ह्युआन वहाँ पहुँच कर लिली को जगाने की कोशिश करता है और लिली उठकर नशे में उसे अपने मन की बात कह देती है कि तुम बहुत बुरे हो, मैं जानती हूँ कि तुमने चोट का बहाना इसलिए बनाया था ताकि मुझे ही बिल पे करना पड़े। ये सुनने के बाद ह्युआन उसे कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, मगर लिली उसे जवाब में कहती है मुझे पूरे 5 लाख युआन्स दो के छोड़ो, तुम अभी बच्चे हो, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी, और फिर सीट से उठकर जाने लगती है। मगर ह्युआन उसे जोर से खींच लेता है और फिर क्या, वो उसके साथ रोमांटिक पोज में खड़ा हो जाता है। लिली भी नशे की हालत में उसे किस कर देती है और उसे घर चलने को कहती है। ह्युआन उसे बिस्तर पर लेटाता है और एक बार फिर लिली उसे किस करती है। अगली सुबह जब वो नींद से जागती है तो वो खुद को ह्युआन के बेडरूम में देखकर शॉक हो जाती है और उसे पिछली रात की बातें ठीक से याद नहीं आ रही थी। और तभी उसकी नजर साइड में बैठे हुए ह्युआन के ऊपर पड़ती है और उसे बीती बातें याद आने के बाद बहुत शर्म आ रही थी। अगले सीन में जब लिली अपने घर पे थी तो उसका को एक्टर क्विन उसे एक नया रोल मिलने की खुशखबरी देता है और लिली ये सुन के काफी खुश होती है। मगर जब मिंजू को इस बात की खबर मिलती है तो वो इस बात पे क्विन से बहस करती है। यहाँ क्विन हमें लिली के साथ लेता दिखता है। कुछ देर बाद फिर से वही कर्जदार लिली के घर के बाहर से आवाज लगाते हैं, मगर इस बार लिली उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ह्युआन भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है और उसकी नजर लिली के दरवाजे पे लगे पेपर्स पे पड़ती है जिन पे लिखा हुआ था जल्दी कर्जा वापस करो। ह्युआन को जब अपने असिस्टेंट से लिली के पास इंसिडेंट्स के बारे में पता चला था तो वो भी उसकी मदद करने के बारे में सोच रहा था। वो लिली के घर जाकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसके हिसाब से लिली को 1 साल के लिए उसके साथ मैरिड कपल की तरह उसकी वाइफ बनकर रहना होगा। यानी वो लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दादी जल्द से जल्द उसकी शादी होते हुए देखना चाहती थी। उसके हिसाब से लिली इस काम के लिए बेस्ट थी और वो अपनी एक्टिंग की मदद से उसे उसकी खरूस दादी की जिद से बचा सकती थी, जिसके बदले में वो उसे न केवल कर्जा चुकाने में उसकी मदद करेगा बल्कि उसके अलावा उसे एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करेगा। पहली बार तो लिली इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से साफ इनकार कर देती है, मगर जब ह्युआन उसे एक बार फिर उसके लिए कर्जे की बात समझाता है तो लिली उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और उसे बताती है कि ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए होगा, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करके तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ह्युआन उसकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में लिली और ह्युआन की मुलाकात ह्युआन की दादी से होती है जो कि उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। वो उनसे पहला सवाल ये पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से पहली बार कब मिले थे, जिसके जवाब में ह्युआन कहता है लास्ट ईयर और लिली कहती है लास्ट वीक, जिसे सुनने के बाद ह्युआन के दादी को उन पे शक हो जाता है और वो उन्हें कपल मानने से इनकार कर देती है। मगर इस शक को दूर करने के लिए ह्युआन अपनी दादी के सामने ही लिली को ये कहकर किस कर देता है कि हम सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस सब के बाद फाइनली उसकी दादी ह्युआन की बात मान जाती है। अगले सीन में लिली इस बात से बहुत नाखुश थी कि ह्युआन ने जो किया उसने कॉन्ट्रैक्ट में इस सब के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। वो उसे बताती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर नए तरीके से बनाना चाहती हूँ। ह्युआन उसकी बात मानकर उसे घर जाने को और सारा सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि अब से वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ह्युआन के साथ उसी के घर पे रहने वाला।
वाली थी। रात को अपना सामान पैक करते वक्त लिली एक बुक पढ़ रही थी और तभी क्वीन उसके घर पे आता है। इतनी रात को क्वीन उसे एक न्यू रोल के ऑडिशन के बारे में बताने आया था। लिली ये बात जानकर काफी खुश थी। जब वो क्वीन को पीने के लिए पानी दे रही थी तभी अचानक उसके सर में दर्द होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो पानी क्वीन के कपड़े पे गिर जाता है। अभी क्वीन बस वॉशरूम गया ही था कि इसी बीच उसके घर पे ह्यूआन भी आ जाता है और जब लिली उसे देखती है तो अचानक उसका सिर चकराने लगता है और लिली कमजोरी महसूस होने की वजह से नीचे गिरने ही वाली थी, मगर ह्यूआन के होते हुए भला ऐसा कैसे हो सकता था। दोस्तों, ह्यूआन उसे एक रोमांटिक हीरो की तरह पकड़ कर खुद के करीब लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्वीन उन्हें इस तरह देखकर जलने लगता है। दोस्तों, ह्यूआन भी क्वीन को जानता था। क्वीन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर ह्यूआन उसे जवाब देकर कहता है कि हम दोनों मैरिड कपल है। ये सुनने के बाद क्वीन और ज्यादा जलने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो लिली को कहता है कि बाकी की बातें हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी तुम रेस्ट कर लो। अब ये सुनकर ह्यूआन भी थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है और लिली को कहता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। और लिली उसे बताती है कि मैं एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये फिल्म साइन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ह्यूआन की खड़ूस दादी लिली को शादी के बाद भी एक्टिंग करने की इजाजत देंगी या नहीं, और ह्यूआन का इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन होगा? वेल, ये सब जानने के लिए प्लीज आप इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।